प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अगर ट्रेन दूर से देखो तो उसकी स्पीड कछुए के जैसे मालूम पड़ती है, लेकिन जब ये हवा की तरह सनसनाती हुई तेजी से नॉनस्टॉप निकलती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे हट्टा कट्टा आदमी भी इसकी स्पीड से झूमता हुआ नजर आता है। दोस्तों, रोजाना लाखों यात्री ट्रेनों से एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऐसे में ट्रेनों को लंबी दूरी के रास्ते से गुजरना पड़ता है। इस दौरान अक्सर देखा गया है कि पटरी पर कोई जानवर या इंसान गलती से रास्ते में आ जाता है, इसके बावजूद रोकने के बजाय ट्रेन उसे रौंदती हुई चली जाती है। ऐसा क्यों होता है और ट्रेन ड्राइवर पटरी पर कोई इंसान या जीव देखने के बाद भी ब्रेक क्यों नहीं लगाता है, इन सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए। दोस्तों, भारतीय रेलवे को देश के यातायात की धड़कन भी कहा जाता है। अधिकतर लोग इसी से सफर करना पसंद करते हैं। इसका सफर आरामदायक और सस्ता होता है। दोस्तों, आपने भी कई बार देखा होगा जहां पर जानवर आते जाते रहते हैं उन इलाकों से ट्रेन का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे में आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ड्राइवर को यह पता लगने के बाद भी कि कोई पटरी पर है फिर भी वो ट्रेन रोक नहीं पाता, आखिर ट्रेन ड्राइवर ब्रेक लगाने में इतना हिचकिचाता क्यों है। तो दोस्तों, अगर हम ट्रेन की एवरेज लंबाई की बात करें तो इसमें कुल 20 से 22 कोच होते हैं। ये कोच एक दूसरे से एयर प्रेशर ब्रेक के जरिए जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी ब्रेक लगे तो कोच के हर पहिए पर समान रूप से दबाव हो। ट्रेन औसतन 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। और तो और, जब किसी स्टेशन पर ट्रेन को रोकना होता है तब ट्रेन ड्राइवर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही ट्रेन की स्पीड कम करना शुरू कर देता है। ट्रेन को रोकने की प्रक्रिया स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लगाकर शुरू कर दी जाती है। वैसे आमतौर पर तो ट्रेन को रोकने के लिए सिग्नल लगे होते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेन जंगल या पहाड़ों के बीच से गुजरती है तब वहां ट्रेन को ये नहीं पता होता कि आगे क्या है। ऐसे में उसके लिए 100 मीटर से आगे की कोई भी चीज देख पाना असंभव है। इस वजह से अगर ड्राइवर ने ट्रेन के बीच में किसी इंसान या जानवर को देख भी लिया तो वो 100 मीटर पहले ही ब्रेक लगा पाएगा। हालांकि इमरजेंसी ब्रेक लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेन ब्रेक लगाने के 1.5 किलोमीटर बाद ही अपनी रफ्तार धीमी कर पाएगी, यानी कि ट्रेन के बीच में आने वाले का मरना तय है। अगर इमरजेंसी ब्रेक लगा भी दिए जाएं तो टक्कर हो ही जाती है। अगर पटरी पर मोड़ हो तो ट्रैक पर कुछ भी देखना और मुश्किल हो जाता है, खासकर तेज रफ्तार पर। ऐसे में मामूली से मामूली मोड़ पर कोई चीज तभी नजर आती है जब वो बिल्कुल पास आ जाती है। वहीं अगर रात की बात करें तो रात को इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल और मुश्किल हो जाता है। ड्राइवर को रात में उतना ही ट्रैक नजर आता है जहां तक इंजन के लाइट की रोशनी होती है। ऐसे में यदि कोई दूर पटरी पर खड़ा भी हो तो ड्राइवर को इसका पता नहीं चलता, और कोई भीड़ अगर रात के वक्त ट्रैक पर हो तो ड्राइवर को लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में होने पर नजर आएगी, और तब इमरजेंसी ब्रेक लगाकर भी गाड़ी रोकना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ड्राइवर की आखिरी उम्मीद होती है इंजन में लगा हॉर्न, वो उसे लगातार बजाता है। ड्राइवर का तो पूरा प्रयास यही होता है कि उसकी ट्रेन से कोई जानवर या इंसान की मौत ना हो। हालांकि कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं जिसके चलते चीजें उसके हाथ में नहीं होती, इसलिए बेहतर यही है कि आप ट्रेन की पटरी क्रॉस करते समय सतर्क रहें, जहां तक हो सके रेलवे नियमों का पालन करें। दोस्तों, वाहनों में ब्रेक का क्या महत्व होता है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो इसका ब्रेक सिस्टम आम वाहनों की तुलना में काफी अलग होता है। आम वाहनों की तरह ट्रेन का ड्राइवर किसी भी वक्त तुरंत ब्रेक नहीं लगा सकता है, उसे ब्रेक लगाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। वहीं कई बार ट्रेन का ब्रेक अपने आप यानी ऑटोमेटिक लग जाता है, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आम वाहनों में आपको ब्रेक लगाना होता है, लेकिन ट्रेन ब्रेक सिस्टम इससे थोड़ा अलग है। दरअसल ट्रेन का ब्रेक हमेशा लगा रहता है। ड्राइवर को जब ट्रेन चलानी होती है तब वो ब्रेक हटा देता है, और जब ट्रेन चलती होती है तो एयर प्रेशर के जरिए ब्रेक को टायर से हटा कर रखा जाता है। वहीं जब ट्रेन को रोकना होता है तब एयर प्रेशर बंद कर दिया जाता है। इसलिए आपने गौर किया होगा, जब ट्रेन रुकती है तो एयर प्रेशर रिलीज होने की आवाज़ आती है। ट्रेन को चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक हजारों लोगों की मौत का कारण बन सकती है, इसलिए ड्राइवर को हमेशा एक्टिव रहना होता है। लेकिन क्या हो अगर ट्रेन के ड्राइवर को नींद आ जाए या किसी कारण वो बेहोश हो जाए, तब ट्रेन का ब्रेक कैसे लगेगा? दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ट्रेन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए पहले ही सोच लिया गया था। दरअसल ट्रेन के इंजन में डेड मैन स्विच या डेड मैन लिवर होता है, जिसे कुछ मिनट के अंतराल में लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर को दबाना होता है। ट्रेन को चलाए रखने के लिए इस स्विच का समय समय पर दबाना जरूरी है। ये स्विच ये बताता है कि ट्रेन का ड्राइवर एक्टिव है, लेकिन अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए या किसी अन्य कारण से वो इस डेड मैन स्विच को नहीं दबाता है तो ट्रेन का ब्रेक अपने आप यानी ऑटोमेटिक लग जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। इंजन में बैठे ड्राइवर और गार्ड ही ब्रेक लगाने का फैसला लेते हैं। वहीं अगर हम ट्रेन के सिग्नल की बात करें तो वो 3 प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा पीला और तीसरा लाल।
हरा सिग्नल यानी लोको पायलट को अपनी ही रफ्तार पर चलना है, पीला सिग्नल यानी ड्राइवर को रफ्तार धीमी करनी पड़ती है और लाल सिग्नल पर ट्रेन को रोकना होता है। अगर चलती ट्रेन के दौरान अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना होता है। इमरजेंसी स्थिति जैसे पुल का टूटना, जानवरों का बड़ा झुंड या लोगों की भीड़ या अन्य कोई गाड़ी से जुड़ा तकनीकी मसला। इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही ब्रेक पाइप का पूरा प्रेशर खत्म हो जाता है और रेलगाड़ी के चक्कों पर लगा ब्रेक शू पूरी ताकत के साथ चक्के से रगड़ खाने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन कई मीटर की दूरी पर जाकर ही रुकती है। साथ ही आपको बता दें कि चेन पुलिंग की सुविधा रेल यात्रियों के लिए होती है। अगर ट्रेन के अंदर कोई ऐसी स्थिति घट जाए जिससे ट्रेन रोकनी पड़े तो चेन पुलिंग की जाती है। अलार्म चेन खींचते ही अलार्म वॉल में दिए गए चेक के जरिए ब्रेक पाइप से हवा का प्रेशर बाहर निकलता है और रेल का ब्रेक लग जाता है। ब्रेक लगते ही हवा का प्रेशर कम होने लगता है, इससे ड्राइवर को हूटिंग सिग्नल मिल जाता है और वो ट्रेन को रोकने के कारण का पता करता है। अब जब ट्रेन की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि 16 अप्रैल 1853 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन ने 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी और ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत की पहली ट्रेन में 20 बोगी थे और इसे 3 इंजन की मदद से चलाया गया था। इसमें 400 यात्रियों ने सफर किया था। सन 1856 में हमारे देश में भाप का इंजन बनना शुरू हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में रेल की पटरियां बिछाई गईं। पहले नैरो गेज पर रेल चली, इसके बाद मीटर गेज और ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। वहीं देश की पहली सुपर फास्ट ट्रेन 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। भाप से शुरू हुआ ट्रेन का सिलसिला अब आधुनिकता के सर्वोच्च पर पहुंच गया है। इन 170 सालों में टेक्नोलॉजी के मामले में देश इतना आगे बढ़ गया है कि न सिर्फ कोयला बल्कि बिजली के ट्रेन को पीछा छोड़ बिना ड्राइवर के सफर पर निकलने को तैयार है। इन 170 सालों के सफर में ट्रेन ने कई रूप बदले। इसका सबसे आधुनिकतम रूप मेट्रो और वंदे भारत है। वंदे भारत को T18 के नाम से भी जानते हैं। यह भारत की पहली इंजन रहित सेमी बुलेट ट्रेन है। यह ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसकी रफ्तार 180 से 200 किलोमीटर तक है। फिलहाल देश में वंदे भारत 2 रूट पर चलती है, पहली शताब्दी दिल्ली से वाराणसी के लिए और दूसरी दिल्ली से कटरा के लिए। बता दें गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान VIP ट्रीटमेंट मिलता है। यात्रियों को फूल और चॉकलेट देकर स्वागत किया जाता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ट्रेन ब्रेक सिस्टम से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।